फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रोल्स किचन। मैं हूं आपकी होस्ट संध्या और आज की मेरी पनीर रेसिपी है पनीर बटर मसाला, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बच्चों को ये खासकर पसंद आती है क्योंकि ये तीखी नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत होगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं। हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर, ये मैंने 150 ग्राम की क्यूब्स में काट करके रख लिए हैं। तेज पत्ता 2 पत्ती लिया है, एक दालचीनी का टुकड़ा, 3 छोटी इलायची, 4 लौंग और 7-8 काजू, टमाटर मैंने 4 लिए हैं, ये मैंने ऐसे रफली काट लिया है, बटर लिया है 3 बड़े चम्मच, क्रीम 1/2 कप ली है, ये फ्रेश क्रीम है अमूल की, चीनी 1 छोटा चम्मच, कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 7-8 लहसुन की कलियाँ और 2-3 इंच अदरक का टुकड़ा। ये मैंने 50 ग्राम पनीर को कद्दूकस करके ले लिया है, मैंने वहाँ 150 ग्राम बताया था तो 50 ग्राम मैंने यहाँ यूज़ किया है। सबसे पहले एक पैन मैंने गरम करने के लिए चढ़ा दिया है, इसमें हम 1 चम्मच बटर डाल देंगे, इसे थोड़ा सा हम मेल्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं करेंगे नहीं तो बटर जल जाएगा। थोड़ा मेल्ट करने के बाद में हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, इसे हमें इसमें पकाना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, तो इसे आप चलाते हुए थोड़ा पकाएं और ये मीडियम फ्लेम में आप पकाएं इसे। अब इसमें मैंने अदरक और लहसुन की कलियां भी ऐड कर दी हैं, इसे इसमें पकाने से ग्रेवी बहुत ही स्मूथ बनती है। तो ये एक टिप है कि आप जब भी ग्रेवी बनाएं तो उसमें कोशिश करें कि आप पहले से ही ये सारे मसाले पका करके तब इसे ग्राइंड करें तो आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। तो ये देखिए थोड़ी देर पकाने के बाद में टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम काजू ऐड कर देंगे, क्योंकि काजू अगर हम पहले ऐड करेंगे टमाटर थोड़ा सा टाइम लेगा पकने में, तो काजू बहुत ज़्यादा पक जाएंगे, ये जल भी सकते हैं। तो अब इसे हम ऐसे मिक्स कर देंगे। अब गैस का फ्लेम बंद कर दें। अब इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद में ग्राइंडिंग जार में पीसें। तो मैंने इसे ग्राइंडिंग जार में ले लिया है, अब मैं इसे थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, फिर इसके बाद में मैं इसे थोड़ा ग्राइंड कर लूँगी, स्मूथ पेस्ट बनाना है इसका हमें। तो ये देखिए मैंने इसका पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इस ग्रेवी को छान सकते हैं, पर मैंने छाना नहीं है। अब इसमें जो बचा हुआ बटर है वो इसमें हम ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा सा पिघला लेंगे। फिर इसमें हम खड़े मसाले ऐड कर देंगे, जो भी हमने दालचीनी, इलायची, लौंग लिया हुआ था, तेज़पत्ता, उसे हम इसे थोड़ा भूनेंगे 1 से 1.5 मिनट इसके फ्लेवर आने तक। क्योंकि मैं ग्रेवी को छान नहीं रही हूँ तो मैं इसे बाहर निकाल के रख दूँगी, इसे दोबारा यूज़ नहीं करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसे रहने दें तो ग्रेवी इसके बाद पकाने के बाद, तो आप इसे छान लें ग्रेवी पकने के बाद में, फिर पनीर डालें। फिर इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, मैं तीखी मिर्च बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मीठा होता है। और अब इसमें हम जो पेस्ट बनाया हुआ है ग्रेवी के लिए वो इसे ऐड कर देंगे। आप तीखा अगर पसंद करते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बट ये मीठी होती है। तो ये देखिए अब इसमें से थोड़ा तेल अलग होने लगा है। अब इसमें हम कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, टमाटर वगैरह पके होने की वजह से ये जल्दी ग्रेवी पक जाती है। फिर सारे सूखे मसाले, हल्दी, धनिया, जीरा पाउडर, गरम मसाला, चीनी, ये इसे हम डालने के बाद में सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम में इसे कर दें या लो कर दें अगर बहुत ज़्यादा आँच तेज हो गई हो तो। अब इसके बाद में मैं इसमें 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ, मैंने सेम ग्राइंडिंग जार में ही पानी ले लिया था, तो उसका जो भी उसमें मसाला जो इसका ग्रेवी का चिपका हुआ था, ये नमक मैंने बताया नहीं था स्टार्टिंग में इंग्रेडिएंट में, तो ये मैं नमक डाल दे रही हूँ यहाँ पे। और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम क्रीम ऐड कर देंगे
और क्रीम को भी अच्छे से मिक्स कर दें। तो देख ही सकते हैं पनीर बटर मसाला का बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। जनरली जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ऐसा कलर होता है, या तो जब कलर वो यूज़ करते हैं रेस्टोरेंट में तो वो रेड कलर की हो जाती है, बट पनीर बटर मसाला का कलर अगर ये रहेगा तो एक बटर की फीलिंग भी आती है आपको देख करके कि ये पनीर बटर मसाला है। तो इसे हम लो फ्लेम में 1 से 1.5 मिनट के लिए ढक करके पका लेंगे। तो देख सकते हैं कि आप जो इसमें हमने बटर डाला था उसकी वजह से इसमें पूरा जो बटर है वो उसने मसाले को छोड़ दिया है। तो अब इसमें हम पनीर क्यूब सेट कर देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब ये जो मैंने ग्रेट की हुई पनीर ली हुई है ये मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। ग्रेट की हुई पनीर ऐड करने से इसका बहुत ही अच्छा क्रीमी फ्लेवर हो जाता है। रेस्टोरेंट में भी आपको ऐसे ही पनीर उसमें डली हुई मिलती है तो बहुत ही खाने में ये टेस्टी लगती है। अब इसे फिर हम 1 से 1.5 मिनट में के लिए मीडियम फ्लेम में पका लेंगे। बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए तो पनीर बटर मसाला सर्व करने के लिए तैयार है, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। इसे आप नान के साथ में, जीरा राइस के साथ में, जैसे चाहें वैसे इंजॉय करें। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें, और आप मुझे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक यू।